Assalamu alaikum everyone. We are learning to make restaurant style chipotle sauce, which is very famous these days. So I have started the process by taking half a cup of mayonnaise. मैंने real mayonnaise use की है और इसको dilute करने के लिए मैंने quarter cup of cream लिया था और quarter cup of milk लिया था. दोनों को mix कर लिया था और उसके बाद उसको mayonnaise में डाल लिया था ताकि जो thick mayonnaise है वो थोड़ी सी dilute हो जाए. उसके बाद 1 tablespoon गुड क्वालिटी केचप है मेरे पास. केचप बहुत क्वालिटीज़ के आजकल आ रहे हैं, मेक श्योर आप बेस्ट क्वालिटी का केचप यूज़ करें. उसके बाद ये चिपोटले सॉस है, ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, तो ये मैंने तकरीबन 2 tablespoon के करीब डाली है. आप चाहें तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं. स्पाइस लेवल इस रेसिपी में इसकी वजह से और सिराचा सॉस की वजह से आता है. ये सिराचा सॉस है मेरे पास जो मैंने 1 tablespoon ऐड किया है. स्पाइसी होता है ये सॉस, आपको स्पाइस लेवल बढ़ाना है तो आप सिराचा और चिपोटले बढ़ा दीजिए, कम करना है तो इनकी क्वांटिटी को कम कर दीजिए और सॉल्ट हंसबे जाएगा. ये ऑथेंटिक रेसिपी है जो रेस्टोरेंट्स में यूज़ की जाती है. आप इस रेसिपी को डबल ट्रिपल क्वाड्रपल अपने हिसाब से कर सकते हैं. इसको आप एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं अप टू 2 weeks. इसको यूज़ करें फ्राइज़ में या एज अ डिप या विंग्स में टॉस करके. बहुत सारी रेसिपीज़ में हम आगे इसको यूज़ करेंगे, बट ये सॉस आपकी रेडी है और बिल्कुल ऑथेंटिक सॉस है. इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी. एंड फॉर सजेशन एंड क्यूरीज हेड ओवर टू द कमेंट सेक्शन. खुदा हाफिज़.